लोकसभा चुनाव को लेकर एक ओर प्रत्याशी ताबड़तोड़ चुनावी सभा और जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी बड़े नेताओं को बुलाकर माहौल बनाने में लगी है। इसी क्रम में गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सह राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि जिस तरह से मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया गया वो भारत की कूटनीतिक जीत है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं की भूमिका वोट कटवा की ही रह गई है, ये देश का नेतृत्व नहीं कर सकते। देश की बात जब होती है तो कांग्रेस हताश भरे बयान देने लगती है। वहीं राजद पर भी निशाना साधा और कहा राजद में सियासत कम और विरासत की लड़ाई अधिक हो रही है। भाजपा के संकल्प पत्र का बखान करते हुए कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 नए मेडिकल कॉलेज देश को समर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि बंगाल में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है, ममता बनर्जी के द्वारा भारतीय संघीय ढांचे को तोड़ने का काम किया गया, उसका जवाब वहां की जनता इस बार के चुनाव में देगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के नेता ने लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने का काम किया और वो नेता राहुल गांधी हैं। एक निर्णयकारी नेतृत्व, दृढ़ इच्छा शक्ति और गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे तक क्रियान्वयन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता, ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में प्राथमिकता थी और इसलिए राष्ट्र सर्वप्रथम पे हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आएगी तो आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको दृढ़ता से हम आगे बढ़ाएंगे और इस देश में पड़ोसी देश के प्रश्न से भी जिस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं की गई उसका एक दृढ़ता के साथ जवाब दिया गया जो सरकार की इच्छा शक्ति को दिखाता है। और कल भी जिस प्रकार से दुर्दांत आतंकवादी मसूद अजहर को विश्व में आतंकवादी घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता है। एक तथाकथित महागठबंधन जो हमारे सामने खड़ा करने का विषय किया गया, लेकिन महागठबंधन बनने से पहले ही गठबंधन पूरी तरीके से बिखर गया।